एचयू में गन प्वाइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाने का मामला सामने आया है, जिससे नाराज छात्रों ने कैंपस में हंगामा किया। आईआईटी बीएचयू में देर रात एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां रात 1:30 बजे अपने दोस्त के साथ जा रही लड़की को 3 युवकों ने रोक लिया और गन पॉइंट पर पहले जबरन किस किया और फिर उसके कपड़े उतरवा दिए, उसके बाद वीडियो भी बनाने लगे। अब इस घटना के विरोध में करीब 2000 छात्रों ने राजपुताना हॉस्टल के सामने प्रोटेस्ट किया। इसके बाद विरोध की हवा पूरे कैंपस में फैल गई। देखते ही देखते हजारों की संख्या में छात्र विरोध में शामिल हो गए। पूरा कैंपस बंद करा दिया गया, क्लास और लैब में रिसर्च का काम बंद कर दिया गया। पूरे कैंपस की इंटरनेट सेवा ठप हो गई है। इस मामले में लंका थाने में FIR दर्ज की गई है। घटना बीएचयू कैंपस के करमन बाबा मंदिर के करीब 300 मीटर दूर एग्रीकल्चर फार्म के पास की है। छात्राओं ने प्रोटेस्ट के जरिए अपना विरोध जताया तो वहीं मार्च निकाला। छात्र ने बताया, मैं रात 1:30 बजे अपने हॉस्टल से किसी जरूरी काम से बाहर निकली। कैंपस के गांधी स्मृति चौराहे के पास मुझे मेरा दोस्त मिला। हम दोनों साथ में जा रहे थे कि रास्ते में करमन बाबा मंदिर से करीब 300 मीटर दूर पीछे से एक बुलेट आई। उस पर 3 लड़के सवार थे। उन लोगों ने बाइक खड़ी करके मुझे और मेरे दोस्त को रोक लिया। इसके बाद गन पॉइंट पर हमें अलग कर दिया। मेरा मुंह दबाकर मुझे एक कोने में ले गए। पहले वहां मुझे किस किया, इसके बाद गन पॉइंट पर मेरे कपड़े उतरवाए, मेरा वीडियो बनाया और फोटो खींची। मैं जब बचाव के लिए चिल्लाई तो मुझे मारने की धमकी दी। करीब 10-15 मिनट तक मुझे अपने कब्जे में रखा और फिर छोड़ दिया।